गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। इसका भी नाम है मैकेनिक्स एंड वे मोशन। ठीक है, तो फिजिक्स में हमारा क्या है, बीएससी फर्स्ट ईयर है, पेपर फर्स्ट है और पेपर का नाम है मैकेनिक्स एंड वे मोशन। इसके अलावा देखिए, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमने बताया था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे, बताया था न्यूटन के गति के नियम बताए थे। अब हमारी हेडिंग जो है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के नियम। गति के नियम की बात करेंगे। गति इक्वेशन ऑफ मोशन है तो हमारे क्या है, गति के नियम पर आधारित हमारे समीकरण है। अब देखिए, जो समीकरण हमारे हैं उन समीकरणों को क्या करेंगे, जो हमने पिछले टॉपिक में न्यूटन के नियम बताए थे उनकी सहायता से गति के समीकरण प्राप्त करेंगे। ठीक है, गति के समीकरण हमारे क्या है, बारी बारी से तीन है। पहला है हमारा बी बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा हमारा है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, तो तीनों समीकरण क्या करेंगे, हम न्यूटन के नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बताएंगे, कैसे मैथमेटिकली इसको फाइंड आउट करेंगे न्यूटन के नियम की सहायता से, उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम हमने पहले बताया, ये व्यापक नियम है, इसकी सहायता से हम पहले नियम की गणना कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी मैकेनिक्स है वो न्यूटन के नियम पर आधारित है, यानी कि न्यूटन के नियम की सहायता से मैकेनिक्स के बारे में बताया गया है, तो इसका उपयोग क्या होगा, बार बार होगा। इसी का ध्यान रखना है कि न्यूटन के नियम गति के नियमों का उपयोग हमें करना होगा। ठीक है, देखिए न्यूटन का सेकंड नियम हमारा क्या है, एफ बराबर एम ए, यानी किसी कण पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान तथा कण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो ए हमारा है ये क्या है, डी बी अपॉन डी टी। देखिए त्वरण जो है हमने पहले ही बताया था, वेग परिवर्तन की दर त्वरण होती है। अगर हम यहीं पर इसको डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर के रूप में लिखें, तो देखिए यहाँ पर डी स्क्वायर आर अपॉन आर हमारा क्या है, ये इसका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है। अगर पोजीशन वेक्टर का दो बार अवकलन कर दिया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्वरण बन जाएगा। ठीक है, तो इसको डी बी अपॉन डी टी या डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स में कण का द्रव्यमान गति के दौरान स्थिर रहता है। यदि क्लासिकल मैकेनिक्स की जब भी बात आती है तो जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, उसका मान स्थिर रहता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती हैं। जबकि हमने बताया था थर्ड पेपर में बताया था कि रिलेटिविटी में ऐसा नहीं होता है, गति के दौरान द्रव्यमान जो है वो वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, अतः कण का त्वरण निम्नलिखित होगा, देखिए हमारा एफ बराबर एम ए था, अगर हम इसकी सहायता से ए बराबर एफ अपॉन एम निकालें, देखिए हमने क्या किया, ए बराबर एफ अपॉन एम, क्योंकि हमको यहाँ पर मालूम है एम हमारा कैसा है, स्थिर है, एम हमारा स्थिर है, तो क्या हो जाएगा, जो नियत मान है उसको हम यहाँ पर रख सकते हैं और ए को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमने पिछली बार ऊपर बताया है कि ए बराबर क्या है, डी बी अपॉन डी टी, देखिए ए बराबर क्या है, डी बी अपॉन डी टी, और जो डी बी अपॉन डी टी है ये हमारा क्या है, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने बताया पहले। ठीक है, अगर हम यहां से बात करेंगे कि ए हमारा क्या है, वो डायरेक्ट, ये भी बराबर, इसके ये भी इसके बराबर है, चारों आपस में बराबर हैं, तो ए फाइनली क्या हुआ, ए डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ए बराबर डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर दो। समीकरण नंबर पहला था हमारा एफ बराबर एम ए, दूसरा हमारा हो गया ए का मान, ए का मान जो है वो पोजीशन वेक्टर के पदों में हमने इस तरीके से यहाँ पर ज्ञात किया। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, पहले सबसे पहले क्या हमें ज्ञात करना है, हमें गति का पहला समीकरण ज्ञात करना है, ये हमारा पहला उद्देश्य है, क्योंकि बारी बारी तीनों समीकरण आएंगे। पहला समीकरण हमारा क्या है, बी बराबर यू प्लस ए टी, देखिए b बराबर u प्लस ए टी निकालना है,
यहाँ पर देख रहे हैं ए है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, समीकरण दो का टी के सापेक्ष समाकलन करने पर इसका इंटीग्रेशन कर दिया गया, किसका, समीकरण नंबर दो का, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे देखिए डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू डी टी इक्वल टू ए डी टी, यहां पर ए डी टी कर दिया क्योंकि ए है। अब देखिए जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। इसके अलावा देखिए इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि डी टी के सापेक्ष हो रहा तो ए और साथ में टी आ गया प्लस सी वन, एक साथ में जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट अवश्य आता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या आ गया, सी वन। सी वन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये क्या है, समाकलन नियतांक कहते हैं, ये क्या है, एक समाकलन नियतांक है जिसको कि हमने यहाँ सी वन के रूप में रखा है। अब बात यहाँ पे आती है, जो हमारा समाकलन नियतांक है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, इसका मान निकालना पड़ेगा। इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मान निकालने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन का उपयोग करना पड़ेगा। बाउंड्री कंडीशन होती क्या है, बाउंड्री कंडीशन होती है उस अवस्था, जिस अवस्था में कण की गणना कर रहे हैं उसकी प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभ में वहां पर कौन सा मान क्या था तो उसकी बात करेंगे। देखिए प्रारंभ में भी, प्रारंभ जब भी किसी चीज करते हैं कण स्टार्ट करेंगे तो वहां पर क्या होगा, समय तो जीरो होगा क्योंकि समय की बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ हमने क्या किया t बराबर जीरो पर डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू यू, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू यू कण का प्रारंभिक वेग। प्रारंभ में कण का वेग तो होगा लेकिन समय नहीं होता है, तो t बराबर जीरो पर डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू यू होगा कण का प्रारंभिक वेग। देखिए यहां पर मान रखेंगे तो डी आर अपॉन डी टी क्या हो गया, यू हो गया, ये वाला पद हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, और प्लस सी वन, यानी कि सी वन बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। सी वन बराबर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, यानी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का मान हमने यहाँ पर सी वन निकाल लिया। अब देखिए डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू ए टी प्लस यू, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का मान रख दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो डी आर अपॉन डी टी हमारा है, ये डी आर अपॉन डी टी क्या है, हमने पहले ही बताया था कि ये क्या है, वेग को बता रहा है, इस बता रहा वेग को बता रहा, तो यहां पर देखिए यू तो हमारा प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक दोबारा तो हो नहीं सकता, यानी क्या हो जाएगा, ये कण का अंतिम वेग होगा, यानी हमने इसको कह दिया बी, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू बी बराबर यू प्लस ए टी, क्योंकि ये हमारा यू सेकेंड पद में आ रहा है, फर्स्ट पद में लिख दिया, यानी रीअरेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, b बराबर u प्लस at, यानी कि हमारा क्या हुआ, पहला समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है। पहला समीकरण हमारा था b बराबर u प्लस at। अब देखिए क्या करना है, अब हमारा उद्देश्य है जो सेकेंड समीकरण है, सेकेंड समीकरण हमारा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम बता रहे हैं साथ में इसको नोट भी करते जाइए, ठीक है, कोई हर चीज को स्टेप स्टेप बाय स्टेप लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए समीकरण तीन का पुनः t के सापेक्ष समाकलन करने पर, जो समीकरण तीन दिया है इसका पुनः समाकलन करेंगे, पुनः इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए जब पुनः इंटीग्रेशन करेंगे तो dr अपॉन dt इंटू dt, ठीक है, उसके अलावा a t dt प्लस u dt, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो हमारा dr अपॉन dt था यहां पे t कर दिया, a t dt प्लस u कर दिया, ठीक है। तो यहां पे देखिए dr अपॉन dt into dt है तो ये हो जाएगा r। इसके अलावा देखिए यहां पर u और dt है तो u t हो गया। इसके अलावा देखिए ये पद दिया a और t, t का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या है t की पावर 1, तो इसमें क्या होता है जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें क्या होता है प्लस वन जुड़ता है और जो पावर होती नीचे आती है, यानी क्या हो जाएगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और प्लस सी टू। अब देखिए एक नया इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ गया, नया इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कौन सा आ गया, सी टू आ गया, सी टू हमारा क्या है, ये भी हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट का मान निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसका मान निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो हमें चाहिए, ठीक है।
तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट का मान निकालेंगे, फिर हम वही काम करेंगे, क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन का उपयोग कर देंगे। प्रारंभ में टी बराबर जीरो पर आर बराबर आर जीरो, देखिए प्रारंभ में जब समय जीरो था तो पोजिशन वेक्टर जो थे वो आर इक्वल टू आर जीरो थे, गति प्रारंभ होने से पहले कण का स्थित वेक्टर। जब गति प्रारंभ होने से पहले ही क्या था, इसका जो मान था वो आर जीरो या आर नॉट था, ठीक है। तो क्या किया हमने, इसमें मान रख दिया, जब मान रखेंगे जहां पे आर है वहां पे आर नॉट हो जाएगा, प्लस जीरो प्लस सी टू, यानी सी टू का मान हमारा क्या हुआ, आर जीरो प्राप्त हो, ठीक है। हमने यहाँ पे मान रखा आर बराबर आर जीरो प्लस यू टी प्लस आर ए टी स्क्वायर। जब इस आर जीरो को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए तो ये हो गया R माइनस आर जीरो, और ये क्या हो गया, ये बन गया S, कण का विस्थापन, कण का विस्थापन हो गया, यानी S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो जो हमारा आर माइनस रख दिया। इस प्रकार से क्या हुआ, हमारा सेकेंड समीकरण प्राप्त हो गया जो कि S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के है। समीकरण एक, समीकरण हमारे दो प्राप्त हो गए। अब तीसरा प्राप्त करना है, तीसरा बहुत सिंपल आसान सा है, कुछ नहीं करना है। जो समीकरण एक था इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए बी स्क्वायर यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, यू अब देखिए इसको इसको स्टैंड करेंगे तो यू स्क्वायर प्लस टू यू ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। आगे देखिए बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए, टू ए इन दोनों पदों में क्या करेंगे, कॉमन ले लिया, जब कॉमन ले लेंगे तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण दो का यहां पर उपयोग करेंगे, समीकरण दो जो है ये एस के बराबर था, तो हमने यहां लिखा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये हमारा क्या हुआ, इसका थर्ड समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है। और ये जो मान रखा है वो हमने समीकरण चार से रखा। अब यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर तीन, समीकरण नंबर चार और समीकरण नंबर पांच, समीकरण तीन, समीकरण चार, समीकरण पांच गति के व्यापक समीकरण हैं। ये हमारे तीन समीकरण जो हैं ये व्यापक समीकरण हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने गति के नियम बारी बारी से यहाँ पर इनको ड्राइव किया, पहला दूसरा और तीसरा नियम, ठीक है। इसी सीरीज में आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए बस इतना ही हो, धन्यवाद।